गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आज मैं आपको छपरा से चल करके मऊ को आने वाली छपरा मऊ पैसेंजर ट्रेन के बारे में बताऊंगा। इस ट्रेन का संचार रेलवे शुरू करने जा रहा है। आज देखते हैं ये ट्रेन कब से चलना पड़ा रहा है, मुझे क्या रहेगा इस ट्रेन का ट्रेन टाइम टेबल। सो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। चलिए आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में आज मैं आपको छपरा से चल करके मऊ को आने वाली छपरा मऊ पैसेंजर रेलवे इसको एक्सप्रेस के रूप में चला रहा है। तो ये ट्रेन छपरा मऊ मऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन है। इस ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रहा है। छपरा जंक्शन से ये गाड़ी 0-54-43 नंबर के साथ 11 फरवरी से चलना प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिदिन डेली चला करेगी। और 0-54-44 नंबर के साथ मऊ से 10 फरवरी से चलना प्रारंभ हो जा रही है, डेली चला करेगी। तो ये ट्रेन आपकी पैसेंजर थी, अब इसको रेलवे एक्सप्रेस के रूप में चला रहा है। छपरा मऊ मऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन है। और देखिए मैं आपको बताऊँ, इस ट्रेन में टोटल 12 डिब्बे लगाए गए हैं। जनरल के रहेंगे, प्राइमरी मेंटेनेंस मऊ रहेगा, इलेक्ट्रिक रूट रहेगा इसका। और ये जो गाड़ी आप इस ट्रेन में जनरल टिकट लेकर के यात्रा कर सकते हैं, छपरा मऊ मऊ छपरा एक्सप्रेस। आइए इसका हम टाइम टेबल देख लेते हैं। छपरा जंक्शन से ये गाड़ी जब चलेगी तो शाम 4 बजे चलने का समय रहेगा। छपरा से रेलवे स्टेशन से 4 बजे चलने वाली टेक निवास 4-8 पे आएगी। यहाँ 2 मिनट खड़ी रही टेक निवास। और कोपा संभवतः आने का समय रहेगा 4:16 पे, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। दाउदपुर आने का समय रहेगा 4:25 पे, यहाँ 2 मिनट खड़ी रहेगी दाउदपुर रेलवे स्टेशन। एकमा आएगी 4:34 पे, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा एकमा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा महेंद्रनाथ, 4:42 पे पहुँचने का समय, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। चिनावा आने का समय रहेगा चिनवा, 4:46 पे चिनवा पहुँचने का समय रहेगा इसका। दुरौदा जंक्शन आएगी 4:55 पे, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा दुरौदा जंक्शन रेलवे स्टेशन। पचरुखी आने का समय रहेगा 5:06 पे, यहाँ 2 मिनट खड़ी पचरुखी रेलवे स्टेशन। सीवान जंक्शन 5:35 पहुँच जाएँ, यहाँ 5 मिनट खड़ी सीवान जंक्शन रेलवे स्टेशन। जीरादेई पहुँचने का समय रहेगा 5:46 पे, जीरादेई आएगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा जीरादेई। करछुई हॉल्ट 5:54 पे आएगी, यहाँ 1 मिनट का स्टॉपेज करछुई हॉल्ट। मेरवा पहुँचने का समय रहेगा 6 बजे, यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज है मेरवा रेलवे स्टेशन। बनकटा आने का समय रहेगा, बनकटा आएगी 6:08 पर, बनकटा आएगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा बनकटा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट स्टॉप आएगा भाटपर रानी, भाटपर रानी पहुँचने का समय रहेगा 6:17 पर, भाटपर रानी आएगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा भाटपर रानी। और नौना पार आएगी 6:27 पर, यहाँ 1 मिनट का स्टॉपेज रहेगा नौना पार रेलवे स्टेशन। भटनी जंक्शन आने का समय रहेगा 6:50 पर। और भटनी जंक्शन पर ये गाड़ी आपकी 10-20 मिनट का स्टॉपेज दिया गया भटनी रेलवे स्टेशन में, 20-20 मिनट स्टॉपेज दिया गया, 20 मिनट खड़े भटनी रेलवे स्टेशन। और इसके बाद ये ट्रेन पिक कॉल आने का समय रहेगा 7:16 पे पिक कॉल। सलीमपुर जंक्शन आएगी 7:33 पे, 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा सलीमपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। लाल रोड आने का समय रहेगा 7:52 पे, ये ट्रेन लाल रोड आ जाएगी और यहाँ पे आपको 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया लाल रोड। तुर्ती पार आएगी 8:05 पे, 1 मिनट का स्टॉपेज रहेगा तुर्ती पार रेलवे स्टेशन। बेलथा रोड 8:14 पे आने का समय, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा बेलथा रोड। गोविंदपुर 8:24 पे आएगी और यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। और कीड़ी, इसके बाद ये ट्रेन कीड़ी हरापुर आने का समय रहेगा 8:30 पे, यहाँ 2 मिनट खड़ी रहेगी कीड़ी हरापुर। और इसके बाद ये ट्रेन आगे बढ़ते चक्र रोड 8:40 पे, इंदिरा पहुँचने का समय रहेगा इंदिरा जंक्शन 8:51 पे, 9:15 पे मऊ जंक्शन आ जाएगी। तो ये ट्रेन थी आपकी छपरा से चलेगी, छपरा मऊ वाया सीवान भटनी के रास्ते चलेगी। आई अब मैं आपको बताता हूँ जब ये ट्रेन आपकी मऊ से चलेगी तो क्या टाइमिंग है। देखिए ये गाड़ी जब मऊ जंक्शन से सुबह 5 बजे चलने का समय रहेगा, यानी 5 बजे डिपार्चर करेगी सुबह, 5:11 पे आएगी इंदिरा जंक्शन। चक्र रोड आएगी 5:21 पे, यहाँ पे 1 मिनट खड़ी आएगी। और किरीहरापुर आने का समय रहेगा 5:28 पे और यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया किरीहरापुर। इसके बाद ये ट्रेन गोविंदपुर दुगौली आएगी 5:38 में, 1 मिनट खड़ी रहेगी। बेलथा रोड आएगी 5:46 पे, 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा बेलथा रोड रेलवे स्टेशन। तुर्ती पार आई 5:56 पे, 1 मिनट का स्टॉपेज दिया गया तुर्ती पार रेलवे स्टेशन। लाल रोड आई 6:03 पे, यहाँ 2 मिनट खड़ी लाल रोड। सलीमपुर जंक्शन आई 6:17 पे और यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया सलीमपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसके बाद ये ट्रेन आगे बढ़ती हुई पिक कॉल पहुँचने का समय रहेगा 6:27 पे, यहाँ पे 1 मिनट स्टॉपेज रहेगा। भटनी जंक्शन आएगी 6:40 पे, यहाँ पे लगभग भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन में 25 मिनट का स्टॉपेज दिया गया भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। नौना पार आएगी 7:11, भाटपा रानी 7:18 पे, 2 मिनट का स्टॉपेज है। बनकटा 7:27 पे, 2 मिनट का स्टॉपेज है। मेरवा 7:35 पे, यहाँ 2 मिनट खड़ी है 7:35 पे मेरवा आएगी। और नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा करछुई हॉल्ट 7:44 पे पहुँचने का समय। जिद्दई पहुँचने जाएगी 7:49 पे।
जीरादेई और सीवान 8:55 पे खड़ी सीवान जंक्शन। पचरुखी आने का समय रहेगा 8:20 पे, यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है। पचरुखी दुर्गौंदा जंक्शन 8:30 पे, यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप ही है दुर्गौंदा। और इसके बाद ट्रेन चेनवा आने का समय 8:39 पे, महेंद्रनाथ हॉल्ट 8:46 पे, एकमा 8:51 पे पहुँचने का समय रहेगा। और इसके बाद ये ट्रेन दाऊदपुर आने का समय रहेगा 9:08 पे, यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप ही रहेगा। कोई कोपा समोता आने का समय रहेगा 9:28 पे, टेक निवास 9:48 पे, छपरा जंक्शन पहुँच जाएगी 10:10 पे, छपरा जंक्शन आ जाएगी। तो ये टाइमिंग थी आपकी छपरा मऊ जो एक्सप्रेस ट्रेन है, इस ट्रेन का संचार रेलवे शुरू करने जा रहा है 10 फरवरी से मऊ से और 11 फरवरी से छपरा से चलना प्रारंभ हो जा रही है। इसके अलावा रेलवे ने छपरा से वाराणसी सिटी पैसेंजर ट्रेन थी उसको भी शुरू कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में और आपको आई बटन मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज मैंने आपको यूपी में चलने वाली एक और नई ट्रेन के टाइमिंग के बारे में बताया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो जैसे लाइक करें, शेयर करें। ट्रेन संबंधी अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।